दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से पूरा देश संघर्ष कर रहा है, बावजूद कुछ लोग आपदा की घड़ी को अवसर मानकर हैवानियत की हद को पार करते हुए गिद्ध से भी आगे निकल रहे हैं। और साइबर ठग कोरोना संक्रमित के परिजनों से ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के नाम पर ठगी कर रहे हैं। आपदा की इस घड़ी में साइबर अपराधियों के द्वारा ठगी के विरुद्ध नालंदा पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। और नालंदा पुलिस ने बिहार शरीफ सदर डीएसपी डॉक्टर सिबली नोमानी के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक साथ 12 ठगों को ठगी के कई उपकरण के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल हम आपको बताते चले कि दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम नालंदा जिले में पहुंचकर कोरोना काल में ऑक्सीजन की सप्लाई के नाम पर ठगी किए गए दर्ज कई कांडों के अनुसंधान में छापेमारी करने पहुंची। नालंदा पुलिस अधीक्षक के द्वारा बिहार शरीफ सदर डीएसपी डॉक्टर सिवली नोमानी एवं बिहार थानाध्यक्ष की एक टीम बनाकर दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच को छापेमारी में सहयोग किया गया। और इस कड़ी में पुलिस ने 4 ठगों, बिहार थाना क्षेत्र के नरसल्लीगंज निवासी छोटे प्रसाद का पुत्र मिथिलेश कुमार, शेखपुरा जिला के कबीरपुर गांव निवासी भीमराम का पुत्र पंकज कुमार, दीपनगर थाना क्षेत्र के बिजवनपुर गांव निवासी रंजीत राम का पुत्र दीपक कुमार उर्फ शबनम, बिहार थाना क्षेत्र के महलपुर निवासी इंद्रदेव मालाकार का पुत्र सरवन माली को गिरफ्तार किया गया, जिसे दिल्ली पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर अपने साथ ले गई है। जबकि अन्य साइबर ठगों में मानपुर थाना की पुलिस ने 2 सहोदर भाई साइबर ठग मानपुर थाना क्षेत्र के सरबहदी गांव निवासी राजेश कुमार का पुत्र चंदन कुमार उर्फ शशि एवं सन्नी कुमार को गिरफ्तार किया। इसी क्रम में साइबर ठगों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करते हुए कत्रिस राय थाना क्षेत्र में अभियान चलाकर 6 साइबर ठग को थाना क्षेत्र के छाछू बिघा गांव निवासी विशेश्वर ठाकुर का पुत्र सोनू उर्फ अनमोल, दीनानाथ सिंह का पुत्र सौरभ उर्फ छोटू, विंदा चौधरी का पुत्र गुड्डू चौधरी एवं राममोहित चौधरी, सकुची डीह गांव निवासी नागेश्वर मांझी का पुत्र भोला मांझी एवं प्रमोद कुमार को रंगे हाथ ठगी करते हुए गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में बिहार शरीफ जेल भेजा गया। बिहार शरीफ सदर डीएसपी डॉक्टर सिबली नोमानी ने बताया कि दिल्ली साइबर सेल की टीम बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए नालंदा आई थी और यहां नालंदा पुलिस के सहयोग से दिल्ली पुलिस ने पिछले एक सप्ताह से कैंप कर कार्रवाई कर रहे थे। और इसी कड़ी में पुलिस ने कुल 12 ठगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार साइबर ठगों के पास से 2 लैपटॉप, दर्जन भर मोबाइल और सिम कार्ड, दर्जन भर एटीएम, हजारों रुपए नगदी, मोटरसाइकिल एवं अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुआ है, जिससे इन लोगों के द्वारा ठगी का धंधा किया जाता था। बिहार शरीफ सदर डीएसपी डॉक्टर सिबली नोमानी ने बताया कि इस आपदा की त्रासदी में साइबर ठगों के द्वारा मानवता एवं मानव मूल्यों को दरकिनार करते हुए कोरोना संक्रमित के परिजनों को ऑक्सीजन सप्लाई हेतु कॉल किया जाता था और ऑक्सीजन देने के लिए साइबर ठग फर्जी बैंक खातों में विभिन्न माध्यमों से रुपया को ट्रांसफर करवाकर ठगी करता था। और नालंदा पुलिस ने इन साइबर ठगों के विरुद्ध अभियान चलाते हुए एक साथ 12 साइबर ठग को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। दोस्तों लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए। अगर वीडियो Facebook पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को अभी फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो।